हेलो स्टूडेंट, संडे को क्या टेस्ट प्लान है वो बताऊंगा एमसीए स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले हम एक बात समझें कि आप लोगों को अब टेस्ट पेपर्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो आप लोगों ने जो जो प्रॉब्लम्स भेजी थी पहले मैं उन सारे चीज़ों के सॉल्यूशंस बताऊंगा। और दूसरी बात ये कि आप सबको पता है बीएचयू एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत जल्दी जेएनयू और निमसेट का भी नोटिफिकेशन आएगा, इसके साथ बेड्स और अलग अलग स्टेट के नोटिफिकेशन आएंगे। तो जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएंगे हम आपको बताते चलेंगे। पर अभी 19 वालों में से कुछ लोगों ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया हुआ और रेगुलर ज्वाइन करते जा रहे हैं, तो उन सभी को एक बात बोलना चाहूंगा क्योंकि टेस्ट के नंबर्स काफी बढ़ गए, तो ऐसे में हो सकता है आप सारे टेस्ट सॉल्व ना कर पा रहे हैं, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए चलें, क्योंकि आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली प्रेशर तो लेना ही होगा। और इसीलिए मैंने आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सबसे अच्छी 20 और 21 वाले जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं उनके पास सफिशियंट टाइम है, एक एक टॉपिक कवर करते चले। और अभी हम आपको एक एक सिंगल टॉपिक के ही टेस्ट भेजेंगे जिससे कि आप हर एक टॉपिक पे वर्कआउट अच्छे से करें। अब बात करता हूँ 19 की बात, तो 19 में इस बार एक मॉक टेस्ट होगा, एक मैथ टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट। ये मैथ टेस्ट का जो आपने रिस्पॉन्स दिया मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस टेस्ट से आप ओवरऑल मैथ्स के रिविजन कर पाते हैं, सारे फॉर्मूले का एक रिविजन होता है। इसके अलावा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस टेस्ट भी भेजूंगा मैं, जिसमें कि कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टेस्ट होंगे। कैलकुलस में आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और इंडेफिनिट इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ये टेस्ट मिलेंगे, और कोऑर्डिनेट में आपको स्ट्रेट लाइन, सर्कल और कॉनिक्स के टेस्ट मिलेंगे, राइट। इसके अलावा एक और चीज मैंने इस बार ऐड करी है, वो है आईआईटी मॉक टेस्ट, क्योंकि आपको लेवल अपना बढ़ाना है, तो ये आईआईटी मॉक के टेस्ट भी मिलेंगे जिसमें आईआईटी जैसे ही क्वेश्चंस होंगे। बट इसमें कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है जो आपके सिलेबस से बाहर है, जैसे अगर निमसेट का एग्जाम दे रहे हैं तो थ्री डायमेंशन या डिफरेंशियल इक्वेशन या कॉम्प्लेक्स नंबर, उन क्वेश्चन को स्कैप कर सकते हैं, पर आपको हर एक चीज को अच्छे से कवर करते हुए चलना। तो सबसे पहले 19 के ओल्ड स्टूडेंट को ये सारे टेस्ट ही देना है, और जो न्यू स्टूडेंट अभी रिसेंटली ज्वाइन किए हुए उन सबको एक बात बोलूंगा, आप ये टेस्ट पेपर रखते जाएं, धीरे धीरे करें। अब जैसे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट देने में आपको ये पता चलता है कि मैथ्स के साथ साथ आपको 40 लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, 10 कंप्यूटर के भी हैं, 20 इंग्लिश के भी, तो आप जिन सेक्शंस में कंफर्टेबल हैं उनको करते चलिए, जरूरी नहीं है कि सारे करें। मैथ्स के जो जो टॉपिक होते जाए वो कवर करिए, वही स्पीड टेस्ट में करिए, TWPT में वही टॉपिक की प्रैक्टिस टेस्ट दीजिए जिन टॉपिक्स को आप रिवाइज करते हुए चल रहे हैं। आपको अपना ड्यूरेशन और परफॉर्मेंस तो देना ही होगा क्योंकि आपने लेट ज्वाइन किया। अब लेट ज्वाइन करने के बाद भी आपको पता है एक बच्चा वो भी है जो 2 साल से तैयारी कर रहा है, और एक वो है जो 1 साल से, और एक वो है जो 2 महीने से, बट जो अंत तक, जो एंड तक पॉजिटिव माइंड से प्रिपरेशन करेगा वो एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है। मैटर ये नहीं करता कितने पहले से स्टार्ट किया, मैटर ये करता है कि जब से स्टार्ट किया उसके बाद कितना इनपुट दिया। इसीलिए आज जब नए बच्चे जुड़ते हैं, और सबसे खास बात है कई सारे नए बच्चों का परफॉर्मेंस आने लगा है, तो आपका भी आएगा। और 20 और 21 वालों को एक बात बोलना चाहूंगा कि ये सब पेपर जो आज 19 को मिलने वाले हैं आपको इससे कई ज्यादा नेक्स्ट ईयर जब आपका एग्जाम टाइम आएगा जब आपको भी मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात है 2021 के बहुत सारे नए बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, पर आप एक एक टॉपिक को कवर करते चलिए धीरे धीरे। और टॉपिक का ऑर्डर बिल्कुल याद रखिए, सबसे पहले एलजेब्रा ही करिए, एलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन के बाद बाइनोमियल थ्योरम, ऑर्डर बिल्कुल यही रखिए, फिर डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, सेट, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पहले लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, और इसको कम से कम 2 से 3 महीने में पढ़िए और इनके टेस्ट ही सॉल्व करिए। इन टेस्ट से आपको मतलब नहीं है, अभी कुछ बच्चों के पास है 2021 वालों के पास ये पेपर पहुंच गए थे, पर ये पेपर्स आपको अभी नहीं करने सॉल्व, आपको अपने जनवरी से ही स्टार्ट करने, तो इस ऑर्डर में करें। अब इसके अलावा 19 वाले बच्चों ने मुझसे एक बात और बोली थी कि लॉजिकल रीजनिंग का क्या करें। देखिए, आपको जो मॉक पेपर भेजे हैं उसका पर्पज यही था, आप अगर उन पेपर्स को ध्यान से सॉल्व करेंगे तो एक चीज नोटिस करेंगे कि अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो लॉजिकल रीजनिंग बनेगा और बहुत अच्छे से बनेगा, और वो ऑलरेडी आपके पास कोर्स है, तो आप उसमें सब नंबर 1 नंबर सिस्टम पढ़िए, क्लॉक, कैलेंडर, LCM, SCF, डायरेक्शन सेंस, ऐसे एक एक टॉपिक्स को कवर करते चलिए धीरे धीरे। ऑर्डर बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले नंबर सिस्टम, SCF, LCM, क्लॉक, कैलेंडर, राइट, इसके बाद फिर आप करिए डायरेक्शन सेंस के बाद पजल टेस्ट, ऐसे एक एक करके धीरे धीरे टॉपिक कवर करें। और साथ में जो ये मॉक पेपर्स मिलते हैं उनके रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें। जब आप उनको सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके पास हर तरह के पेपर हैं, तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि बहुत ज्यादा रीजनिंग नहीं पढ़ना है, बल्कि जो रीजनिंग है उनको समझना है, और वो मैथ्स के बेस पे बनेगा। 3-4 बार अब स्टार्टिंग में आपको टाइम लगेगा, आपको ऐसा लगेगा अरे ये करने से बहुत टाइम जा रहा, पर ऐसा नहीं, जब आप क्वेश्चंस में धीरे धीरे इन्वॉल्व होंगे तो ये आपको बनने लगेंगे। दूसरा, आप टाइम ड्यूरेशन फिक्स रखिए, 1 घंटे मैथ्स को दीजिए,
30 to 40 मिनट आप लॉजिकल रीजनिंग को दीजिए, 10 मिनट कंप्यूटर को, 10 मिनट इंग्लिश को, 10 मिनट स्कैनिंग को दीजिए, एक मैनेजमेंट बना के चलिए। और घबराइए मत बिल्कुल भी, क्योंकि टेस्ट पेपर्स के नंबर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। अभी आने वाले मार्च के वीक से तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि पूरे वीक के लिए टेस्ट पेपर भेजूं, उन पेपर्स को सॉल्व करिए। इसके अलावा जिन पेपर्स में डिफिकल्टी आती है उनके मैं आपको, आपने देखा होगा वीडियो सॉल्यूशन भी दे रहा हूं, पर जो पेपर में डिफिकल्टी नहीं आती या जो पोर्शन पढ़ाया हुआ होता है, जो फाउंडेशंस कोर्स से कवर कर सकते हैं, उनके मैं सॉल्यूशंस नहीं देता क्योंकि वो ऑलरेडी आपके पास सॉल्यूशंस हैं। तो इस कॉम्बिनेशन के साथ पढ़ाई करते चलिए एक पॉजिटिव माइंड से, और धीरे धीरे यहां जैसे जैसे रीजनिंग होता जाएगा आपको इसकी वेबसाइट पे अपडेशंस मिलते जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस दिमाग में रखिए कि एक पॉजिटिव माइंड से पढ़ना है और अपनी फाइट लास्ट मोमेंट तक रखनी है, क्योंकि जो बीच में छोड़ देते हैं उनका कभी कुछ नहीं होता। तो आप बस यही बात दिमाग में रख के पढ़ाई करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। और इसके अलावा जो मैं आपके वीडियो स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ वो जरूर देखिए, क्योंकि अब कई सारे बच्चे टेस्टिंग के लिए जब यहाँ आ रहे हैं तो जिन्होंने लास्ट ईयर से कोर्स लेके पढ़ा था उन्होंने पूरी चीजें वीडियो कोर्स से ही कवर करी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आप भी घर रह के परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप यहाँ आए, पर जो एकेडमी में हो रहा है वो सब चीजें जब आपको घर बैठे हुए मिल रही तो आप उसका 100% यूटिलाइजेशन करिए, बेनिफिट लीजिए, यही मैं आपको बोलूंगा। थैंक यू।